मैं लगा रही हूँ दौड़ा दौड़ दौड़ा नहीं तो क्योंकि जल्दी जल्दी पानी पहुँच आलू टमाटर आलू जो है मैंने जल्दी से थेच लिया क्योंकि जल्दी पकेंगे नहीं तो इसको तो खूब काम से जला काम देव तू छे गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। बस घर की साफ़ सफाई झाड़ू वगैरह लगाया है, लेकिन अभी पोछा वगैरह और लिपाई वगैरह करनी बाकी है। तो आज नवरात्रि है, नवरात्रि पर्व के आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलो फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह के 9 बजे से। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है निर्मला नेगी, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों हमारे यहाँ 3 दिन हो गए, 3 दिन से लाइट नहीं है, तो मेरे ये ब्लॉग आएंगे लेट लेट, थोड़ा धीरे धीरे आएंगे। तो अभी का मौसम दिखा देती हूँ, लेकिन आज धूप आई है। 3 दिन बारिश थी लेकिन आज धूप आई है, तो मौसम बड़ा ही प्यारा हो रखा है, लेकिन कोहरा भी लगा हुआ है। तो अभी मैं भी झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ क्योंकि नवरात्रि का व्रत है तो पूजा पाठ करनी बाकी है। यहाँ पोछा भी लगाते हैं, तख्तों में पोछा, और अंदर मिट्टी वाले कमरे में लिपाई करनी होगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। साफ सफाई करने के बाद, पूजा यहाँ मंदिर की सफाई करने के बाद, अब पूजा की तैयारी हो रही है। मम्मी फ्रूट वगैरह ला के आ गई है, तो मैं अभी प्रसाद के लिए इसमें फ्रूट रख देती हूँ। और अब मुझे करनी है कलश की तैयारी, जो जिसमें आम के पात मुख्य होते हैं। तो अब मैं कलश की तैयारी करती हूँ और फिर पूजा पाठ करती हूँ। पूजा की तैयारी तो देख सकते हो, कलश मैंने तैयार किया है अच्छे से, और अब पूजा पाठ की तैयारी हो गई है। ये है हमारी नव दुर्गे माता। अभी दोपहर के 1 बजने वाला है, तो हमने मतलब पूजा पाठ करने के बाद फिर चाय हाय पी और गाय बकरियां खोल रखी है। तो अभी मैं थैली हैली पकड़ के मंदिर, आजकल नवरात्रि में मंदिरों में रोज मतलब अक्षत डालते हैं, बोलते हैं कि देवता पूजी रहे तो देवता को पूजते हैं, अक्षत डालते हैं। तो अभी मैं धूप अक्षत धूप दिया तैयार कर रही हूँ जगह जगह मंदिर, 2-3 मंदिरों के लिए। तो वहाँ पर पुजारी जी आएंगे और मंदिर में देवता को पूजेंगे अक्षत डाल के। थैलियों में 2 मंदिरों के लिए ज्ञानचंद्र और मष्ट देवता के नाम से अक्षत फूल, अक्षत धूप बाती, और एक एक डिब्बी में घी, बत्ती जलाने के लिए जहाँ घी चढ़ता है वहाँ घी, और जहाँ तेल चढ़ता है वहाँ तेल, और धूप, मतलब ये सब भेंट वगैरह तैयार कर दी है। तो अभी तो इसके बाद मेरा तो फास्ट है, लेकिन मम्मी का फास्ट नहीं है, तो मम्मी के लिए मैं अभी बनाती हूँ रोटी वगैरह। और दोस्तों अभी मुझे ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए शॉर्टकट में जल्दी जल्दी खाना बनाना है, तो उसके लिए मैंने अभी ले लिया है आलू टमाटर। आलू जो है मैंने जल्दी से थेच लिया क्योंकि जल्दी पकेंगे नहीं, तो सिलबट्टे में मैंने इनको हल्का सा पीस लिया, मतलब अदर दर अदपिसे बना दिया है। ये देख सकते हो बारीक भी नहीं किया है, और टमाटर है, हरी मिर्च है,
और इस डिब्बे में मैंने रख दिए शाम के लिए चने, क्योंकि रात को मैं छोले बनाऊंगी उस बिना प्याज वाले, मतलब टमाटर डाल के, और कढ़ाई रख दी है, सब्जी बनाती हूँ और आटा गूंदा हुआ है तो रोटी बनाती हूँ जल्दी। दोस्तों अभी मैं जाने लगी हूँ मंदिर के लिए, तो मम्मी को खाना पीना दे के आई जल्दी में, लेकिन जैसे मैंने मम्मी से बोला मम्मी जल्दीबाजी में बनाए जैसा भी बना हो खा लेना, लेकिन मम्मी बोली है सब्जी बड़ी टेस्टी बनी है, मट्ठा वगैरह डाल दी थी मैंने मम्मी को, तो मम्मी को खाना देके सीधे मैं चली गई हूँ मंदिर की ओर। इसमें 3-4 जगह के लिए धूप अच्छा है, तो फिर मिलते हैं हम आपको जगह जगह की, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं यहाँ पहाड़ों में, एक उधर के पहाड़ में है तो मंदिर, एक इधर के, एक ऊपर उधर के पहाड़ में, वहाँ चारों तरफ मुझे जाना है। अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं, खतरनाक चढ़ाई चढ़ गई। अभी पहुंच चुकी हूँ जंगलों में, ऊपर है मंदिर मस्त बाबा का, तो यार व्रत के दिन ना घर के कामों के साथ साथ ऐसे चलना भी बड़ी मुश्किल का काम है। दर्शन होने लग गए मंदिर के, फ्रेंड अभी यहाँ पर होने लग गए हैं देवता का पूजन, तो अभी यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, थोड़ी देर यहाँ पर बैठे थे सभी लोग और अब पूजा करते हैं फिर जाएंगे हम। तो दोस्तों अभी यहाँ पर पूजा पाठ हो गई है, इसके बाद हम जा रहे हैं घर को। यहाँ पर मेरी बहनें भी आई है जो अपना मोहनी दिखा रही है। तो अभी मंदिर से आने लग गए हैं घर की ओर, तो चनु लोग उधर को चले गए हैं, मंदिर यहाँ है, तो पूजा यहाँ पर 3:30 हो गया है, और यहाँ से इसके बाद जाएंगे 3-4 मंदिरों में, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी 3-4 मंदिरों में क्योंकि इतनी एनर्जी तो है नहीं, एनर्जी क्योंकि घर यहाँ से घर जाने के बाद मुझे खाना पीना भी और घर का काम भी है, 4 मंदिरों में जाएंगे तो फिर अंधेरा ही हो जाएगा यहाँ, क्योंकि आज सब लोग नहाने के लिए पंचेसर गए थे, उसके बाद मंदिर में देवता पूजने के लिए लेट हो गई थी, तो अब वो लोग कल से तो थोड़ा जल्दी हो जाएंगे, तो कल से देखेंगे और मंदिर। अभी कोई लोग गाड़ी में, जो सयाने सयाने लोग थे, सयाने मतलब कि जो बड़े लोग थे वो गाड़ी में चले गए, और जो मतलब जवान लोग हैं, तो अभी क्योंकि पैदल चलना है यहाँ से लेके उधर पहाड़ी, फिर वहाँ से लेके उधर, 3-4 जगह पूरा मतलब एरिया कवर करना है आज, मतलब पूरे नवरात्रि में रोज़ देवता पूजेंगे, तो ये लोग चले गए हैं और मैं घर को आ गई हूँ, घर को फिर मैं शाम को जाऊँगी, तो नीचे वाले मंदिर में जाऊँगी क्योंकि घर में अभी काम है।
दोस्तों जैसे घर पहुंची और रेस्ट नहीं किया, मैंने चाय वगैरह बनाने की सोच ली थी, लेकिन अभी मुझे अब तैयार करने लग गया सिद्ध बाबा के मंदिर के लिए, क्योंकि वहां पर आ गए हैं अभी पुजारी लोग और ताऊ जी लोग सभी। तो वहां के लिए थोड़ा दूध, क्योंकि शिवलिंग है तो वहां दूध भी चढ़ेगा और घी फूल अच्छे, तो वही हो गया, तो वहां के लिए चलते हैं अब। और वही 4 साढ़े 4 हो गया है और फिर मिलते हैं। अभी मुझे जाना है अपने घर के सीधे सामने साइड, उस साइड जाना है। तो वहाँ के लिए अभी मंगा रहे हैं पानी, तो मुझे ये वाली जर्किन में पानी ले जाना पड़ रहा है। दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि देवभूमि, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से क्यों जाना जाता है। तो अभी मैं निकल गई हूँ। तो इस जर्किन का पानी कम पड़ गया नौले, मतलब वहाँ मंदिर की साफ सफाई के लिए, तो दौड़ दौड़ के आ गई मैं अभी नौले। यहाँ पर है नौला, तो नौले से मैं पानी ले जाती हूँ, लेकिन नौले यहाँ पर है, नौले नौला, अब यहाँ से भरती हूँ पानी। ये मैंने पेंट करवाया था खुद नौले का। तो अभी मैं लगा रही हूँ दौड़ा दौड़ दौड़ा नहीं, तो क्योंकि जल्दी जल्दी पानी पहुँच जाना है, वहाँ पर वेट कर रहे हैं, तो दौड़ लगाते हैं। बस ये बैठे जब बैठी हुई शुरू में खुद कम जब तू ना इसको तो खुद काम से जला काम देव तो उच है। दोस्तों यहाँ पर भी होने लग गई है पूजा शुरू। ये हमारा भाई, ये बुबू है, अशान चना में नौर तो करने में दीप दीप फूल के खाई ना मुंह। तो फ्रेंड अभी हम पहुंच चुके हैं शिवलिंग लिंगेश्वर महादेव के पास, तो यहाँ पर करेंगे अभी पूजा। तो अभी लिंग था महाराज के पास से भी आ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर है लिंग, मतलब हरे, मतलब एक शिवलिंग जिसे लिंगेश्वर महादेव बोलते हैं हमारे यहाँ। तो दो तीन मंदिरों में, यहाँ दो मंदिरों में गई, अब यहाँ से मुझे जाना है उधर साइड पार साइड घर। तो आज तो पूरा फास्ट है, लेकिन 10 नवरात्रि करने की सोच रही हूँ, फिर पता नहीं हो पाती है या नहीं। तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं अपना यहीं पर समाप्त करती हूँ। मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा बताइए, आपके यहाँ किस तरह से नवरात्रि में पूजा पाठ की जाती है, पहाड़ों में किस तरह पूजा पाठ मंदिरों में अच्छे चढ़ाते हैं, तो वो बताइए। तो मेरा आज का व्लॉग अगर अच्छा लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, और फिर मिलूँगी मैं ऐसे अगले नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने अपने घरों में व्यस्त रहे। और यहाँ से जाने के बाद अभी काम काज भी है, आज मम्मी बोल रही है दूध भी निकालना है गाय से, और खाना पीना बनाना होगा। तो फिर मैं मिलूँगी, बाय बाय।